हाय श्रद्धा, यू आर इन द व्लॉग। सुबह 8 बजे से लेकर 1 बजे तक हमने ट्रैवल ही किया है। मन्नारगढ़ से लेकर फोर्ट कोची तक 4-4.5 घंटा लगा। एंड वी आर इन फोर्ट कोची राइट नाउ। कैन सी द व्यू, मैं दिखाता हूँ। ये मेरा रूम का बालकनी है बेसिकली। बहुत सही लग रहा है यार, बहुत सही लग रहा है। मैं आपको रूम टूर दे देता हूँ। रूम टूर के लिए रेडी हो जाइए। ये हमारा रूम है, एक छोटा सा रूम विद छोटा सा बालकनी। मजा आ रहा है। वी स्टार्ट आवर डे एट 3 o'clock। सब रेडी हो चुके हैं, पूरा ड्रेसिंग वेसिंग मार लिया सब लोग ने। सबका ड्रेसिंग देखो, वाओ, सब लोग अच्छे अच्छे दिख रहे हैं यार। हाय हाय, ऐसा लग रहा है स्कूल का पिकनिक निकला है। सब बच्चे स्कूल के पिकनिक में लाइन से चल रहे हैं, कपल कपल। बहुत दुख वाली बात है, ये मेरा भाई और मैं, हम दोनों भी सिंगल हैं। और हाँ, वी आर रेडी टू मिंगल। हम लोग सर्च में तो है, बट देखते हैं क्या होता है। अपना नंबर बताओ क्या? इसका नंबर मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना। और DM फॉर द रिश्ताज। सो वी आर गोइंग फॉर द काशी, क्या है, काशी आर्ट कैफे। काशी आर्ट कैफे देखते कहाँ पर है। 2 मिनट की दूरी पर ही हम पहुंच चुके हैं काशी आर्ट कैफे। काशी आर्ट कैफे, यार वी आर एंटरिंग। ऐसे में पीछे देखते हैं। डू नॉट टच। वर्कआउट तो हमने जॉन अब्राहम जैसा किया ही है, बट लेकिन खाना भी आज जॉन अब्राहम जैसे करना है। हमने मंगाया जॉन अब्राहम सैंडविच। जॉन अब्राहम सैंडविच अभी देखना भी छोले। और मंगाया है मलबार मैंगो स्मूदी। कैसे टूट पड़े हैं चॉकलेट ब्राउनी पर। कॉलेज के दिन याद आ गए जब हम लोग डोसा खाया करते थे, एक डोसे में 10 जन खा पाते थे भाई। वो मजा ही अलग था, प्यार अलग था। वो दिन नहीं रहे, बट फिर भी नॉस्टैल्जिया होता है। जगह मिला नहीं कि फोटो सेशन है, लोग चालू कर देते हैं। ये मेरे पे याद आ रहा है। तुम लोग ही हो मेरे साथ तो तुम लोग ही आओगे प्लीज। तो इधर देखो मैडम। सो वी आर प्लानिंग टू रेंट अ बाइक। बाइसिकल वाला बाइक दोस्तों, ये लेके घूमेंगे पूरा कोची। क्या करना है ना, करना है कि नहीं करना है अपने को रेंट? करना ही तो है। ये मैं कैसे करूंगी, मेरे को आता ही नहीं, इनसे होता ही नहीं है। तुम अपने पति के पीछे बैठो और आओ भाई, हमको पता नहीं। हम तुम्हें नहीं लेके आए, तुम्हारे पति तुमको लेके आए। पीछे बैठने का भी नहीं है। वो इधर बैठेगा, तू इधर बैठ। पीपल लुक कंफ्यूज, किसी किसी को आ रहा है, किसी को एक कितने जन को आता है साइकिल? दो को छोड़ के बाकी सबको आता है। किसको नहीं आता? काजल और काजल की दोस्त को साइकिल आता नहीं है, उनको घर पे छोड़ के हम लोग जा रहे हैं साइकिल। साइकिल पे बैठते और आगे का व्यू का लुफ्ट उठाते हैं। प्लान में थोड़ा सा बदलाव है, साइकिल की जगह हम जा रहे हैं 11 नंबर की बस, उसी को लेके हम हो जा रहे हैं फरार। ये अभी देखेंगे चाइनीज फिशिंग नेट्स कैसा होता है एग्जैक्टली। आपने सब लोगों के ब्लॉग में देखा ही होगा, फिर भी मैं दिखाऊंगा क्योंकि मैं देखने आया हूँ क्या है क्या नहीं है, कैसा दिखता है और कैसा फिशिंग होता है। एक बार देख लेते हैं और फिर डिसाइड करते हैं क्या करना है इसका। साइकिल तो नहीं ले रहे अभी के लिए क्योंकि ये चाइनीज फिशिंग नेट तो बहुत नज़दीक है, तो साइकिल की ज़रूरत नहीं है, पैदल घूम सकते हैं। हाँ, ज़रा भी धूप नहीं है।
ये जो आप देख रहे हो यही है चाइनीज फिशिंग नेट, बट ये मोस्टली चलता है जब हाई टाइड रहेगा तभी यूज होता है, लो टाइड पे नहीं होता है, इसलिए ये अभी यूज नहीं हो रहा है। सो बेसिकली यही है चाइनीज फिशिंग नेट। आज बढ़िया बात एक चीज का है, बिल्कुल भी धूप नहीं है, तो गर्म नहीं हो रहा है, ठंडी हवाएं चल रही है, क्लाइमेट का पूरा साथ है, इसलिए हम व्यू को एंजॉय कर पा रहे हैं। दैट इज द ग्रेटेस्ट थिंग आज हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं। बाकी और बताते रहेंगे, स्टे ट्यून्ड, बहुत कुछ है आज देखने के लिए। अभी के लिए तो चाइनीज फिशिंग नेट ही देख लो। दोस्तों अगर आपने कांतारा मूवी देखा है तो कमेंट में बताइए आपने देखा है या नहीं देखा है और कैसा लगा है, क्योंकि इसका फीवर जो है कोची तक को देखने मिल रहा है। बट क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ वो इसको देख के आप समझ जाओगे। क्या पेंटिंग बनाया, एक डिफरेंट ही रिस्पेक्ट है बाकी स्ट्रीट पेंटिंग को। क्या बनाते, क्या आर्टिस्ट लोग हैं, ये आर्ट ऐसा कहीं देखने नहीं मिलता है। यूजुअली ऐसे रेयर प्लेसेस पे बहुत रेयरली देखने मिलता है, बट ठीक है, दिस इज वेरी गुड आर्ट। ये जो है कल का कुछ खतरनाक प्लानिंग हो रहा है, तो बने रहो, क्या प्लानिंग हो रहा है सब समझेगा। ब्लॉग देखोगे नहीं तो नहीं पता चलेगा, ब्लॉग देखते रहो समझेगा। प्लानिंग तो बहुत जोरदार है। कोची फोर्ट कोची तर फिर तो है, पर अभी एक छोटा सा कलरी पट्टू का शो, उसका हमने टिकट बुकिंग किया है, वो हम लोग देखने जा रहे हैं। वी आर ऑन द वे टूवर्ड्स दैट पर्टिकुलर सेंटर। उधर अंदर जाके देखते एक्चुअली कलरी पट्टू का शो होता कैसे है। मैंने एक्चुअली यूट्यूब पे देखा था वो कैसे होता है कैसे नहीं होता, बट आई एम डैम श्योर इट इज एडवेंचरस और इट्स एन आर्ट, नॉट एन क्या बोलूँ मैं, अभी दिखाई देता हूँ डायरेक्ट। Next one, presentation. Two traditional fighting warm up. Any kind of fighting are basic of that warm up are creation. So first the presentation, Mei Python. Mei Python is one of the very very ancient warm up they use for the Kerala Martial Arts. आधे घंटे का शो था, आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, क्योंकि इट इज वर्थ स्पेंडिंग ऑन दिस पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म। ये देखने के लिए पैसा खर्चा नहीं किया तो क्या किया दोस्तों। बेसिकली कलर ही मतलब होता है स्कूल, पट्टू मतलब होता है फाइट, इज अ
फाइट ऑफ स्कूल है जिधर फाइट सिखाया जाता है बराबर। तो और ये ट्रेडिशनल फाइटिंग स्टाइल है जो बहुत सालों से यहाँ पर है, बट इट इज नॉट इन द बुक्स, इट इज ओनली इन फॉर्म। मतलब कोई अगर बहुत पुराने जमाने से कैरी करके आ रहा है तो वो आपको देखने मिल सकता है थ्रू उनके नॉलेज से। बाकी आप ऐसे शोज या फिर ऐसे एक्ट्स में पार्टिसिपेट करते हो तो ही आपको इसका नॉलेज मिलेगा, इंफॉर्मेशन मिलेगा, वरना ये कहीं पर लिखा हुआ नहीं है। सो डू विजिट दिस पर्टिकुलर सेंटर एंड डू सी दिस कलरीपयट्टू फॉर्म ऑफ फाइटिंग। आज की एक्टिविटी हमारी यहीं पर ख़त्म होती है, आज का दिन भी यहीं पर ख़त्म करते हैं। थोड़ा सा भूख लगा है, पहले हम करेंगे पेट पूजा फिर काम दूजा। जैसे कि आपको पता ही है काम दूजा डायरेक्ट कल होने वाला है, क्योंकि कल की प्लानिंग बहुत ही बढ़िया है। थोड़ा ऑफ बीट घूमने वाले हैं, प्लान थोड़ा सा ऑफ बीट वाला है, बट हम दिखाएंगे ज़रूर। तो व्लॉग देखते रहिएगा, तब तक स्टे ट्यून्ड। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, शपा खैर, कल मिलते हैं।